सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अकोला में पुराना शहर के गुलजारपुरा परिसर में शनिवार को दोपहर 2:30 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब इलाके में स्थित स्मशान भूमि के प्रवेश द्वार के समीप लगी विद्युत डीपी में अचानक आग लग गई। डीपी में ऑयल होने के कारण देखते ही आग ने उग्र रूप ले लिया था। डीपी से निकलने वाली चिंगारियां उसके आसपास फेंके गए कचरे के ढेर पर जा गिरी जिससे कचरा पे जलना शुरू हो गया था। यही नहीं आग के दौरान डीपी में होने वाले धमाकों से समूचे परिसर के नागरिक काफी खौफजदा हो गए थे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के प्रमुख हारून मनियार के मार्गदर्शन में वाहन चालक प्रमोद जयपिल्ले तथा फायरमैन मोहम्मद रिजवान कुरैशी और गोपाल इंगले घटना स्थल पर पहुंचे जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी के साथ महावितरण ने भी डीपी में आग लगने की जानकारी मिलते ही एहतियात के तौर पर इलाके की बिजली आपूर्ति खंडित कर दी थी। डीपी बदलने के बाद इलाके की बिजली आपूर्ति सुचारू हुई जिसमें काफी देर लगी। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों के मुख्य मार्गों के अलावा रिहायशी इलाकों में लगाई गई विद्युत डीपी के पास ही कचरे के ढेर लगाए जाते हैं। कई बार इन कचरे के ढेर में भी लगने वाली आग विद्युत डीपी को अपनी चपेट में ले लेती है। नतीजतन महावितरण का आर्थिक नुकसान तो होता ही है और साथ ही डीपी के जलने से इलाके की बिजली आपूर्ति को खंडित करना पड़ता है जिससे नागरिकों की परेशानी और बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए महावितरण और मनपा प्रशासन द्वारा विद्युत डीपी के पास लगने वाले कचरे के ढेर हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग जोर पकड़ रही है। पुराना शहर के RTPCS रोड स्थित गुलजारपुरा परिसर की शमशान भूमि के पास वाली विद्युत डीपी भीषण गर्मी से आग लगने का अनुमान आरंभिक रूप से माना गया है कि शहर में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण विद्युत डीपी में आई तकनीकी खराबी के कारण शनिवार को दोपहर उसमें अचानक आग लग गई। डीपी में ऑयल होने के कारण आग को उग्र होने में देर नहीं लगी थी। बताया जा रहा है कि आज सुबह से ही विद्युत डीपी में स्पार्किंग का दौर जारी था लेकिन समय रहते महावितरण के अभियंता एवं कर्मचारियों के ध्यान नहीं दिए जाने से दोपहर के समय डीपी में आग लग गई। इनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।